बड़ी खबर जानिए तुर्की से आ रही है। तुर्की सीरिया में भूकंप से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 29,896 हो गया है ये आंकड़ा, जबकि अकेले तुर्की में 24,617 लोगों की मौत हुई है और 80,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि सीरिया में 5,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 5,000 के करीब लोग वहां भी घायल हैं। आपको बता दें कि ये जो भयानक भूकंप आया था, जो भयानक तबाही आई थी, जो ये मलबे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ये दुकानें हुआ करती थी, ये बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी, ये सब भूकंप के झटके के बाद धराशायी हो गई हैं, गिर गई हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं और इसी में से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसमें से जो आंकड़ा है वो मौत का बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लाश निकलती जा रही है और ये मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो सबसे ताजा आंकड़ा है तो वो है कि सीरिया और तुर्की में मिला के 29,000 के करीब लोगों की मौत हुई है। 24,000 जो लोग हैं, 24,000 लोग अकेले सिर्फ तुर्की में घायल हुए हैं और 5,000 लोग सीरिया में घायल हुए हैं। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि लगातार वहां की रेस्क्यू टीमें जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ता जा रहा है, ये मौत और घायलों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो 5-5 दिन बाद भी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे के ढेर से लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन जो लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा रहे हैं वो आंकड़ा बेहद कम है उसकी तुलना में जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं मरने वालों के।